तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी स्कीम 2020 के बारे में, यानी कि कानपुर यूनिवर्सिटी परीक्षा टाइम टेबल के बारे में। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आज की इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोगों के एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे, वार्षिक एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे और आप लोगों के रिजल्ट कब तक आएंगे। ये सारी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। जो भी कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अदर यूनिवर्सिटी के हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके लिए भी वीडियो लाने वाला हूँ, उनकी भी पूरी डिटेल बताऊँगा टाइम टेबल के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो का वो वेट करें, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये PDF मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड की है, ठीक है, वहाँ पे अपलोड कर दी गई है डिटेल। तो आपको मैं मेन जो चीज़ें हैं मैं वो दिखाता हूँ, मेन इन्फॉर्मेशन। तो आप परीक्षा कार्य हित कैलेंडर, ठीक है, ये ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि आप लोगों के प्रैक्टिकल, क्योंकि सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते, पहले क्या होता था, एग्ज़ाम हो जाते थे फिर प्रैक्टिकल होता था, लेकिन कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं, पहले फिर प्रैक्टिकल हो जाता है फिर मेन एग्ज़ाम होते हैं। तो मैं प्रैक्टिकल की पहले बात कर लेता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल सबसे पहले होंगे। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 9 नंबर पे, सत्र 2019-20 की प्रायोगिकी मौखिकी परीक्षाएं संपन्न कराने की अवधि, यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उनकी क्या डेट है, कब से कब तक होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, यानी कि आने वाली 15 जनवरी से फरवरी तक आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। वो चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, सबके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोगों के एक महीने के अंदर हो जाएंगे। अब किस डेट के होंगे, इसके लिए आपको जिसके थ्रू आपने एडमिशन कराया हो यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उससे पूछिए, या फिर आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। अभी किस डेट को कौन सा प्रैक्टिकल है, हिंदी का किस डेट को, इंग्लिश का किस डेट को, ये अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है फिलहाल, लेकिन ये ज़रूर है कि आप लोगों की जो 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर एटलीस्ट इतना तो बताइए कि किस डेट से स्टार्ट होंगे, जिससे हम लोग प्रिपरेशन कर सकें, तैयारी कर सकें, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे आपको जानकारी मिल सके कि हाँ अब आप अलर्ट हो जाइए, अब तैयारी करिए, क्योंकि अब आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ 10 नंबर की, अब मेन एग्जाम की। तो 10 नंबर पढ़िए, सत्र 2019 के संस्थागत भूतपूर्व वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने की तिथि, यानी कि वार्षिक मेन एग्जाम आप लोगों के 5 मार्च 2020 से स्टार्ट होने वाले हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी में 5 मार्च 2020 से मेन एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हाँ अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो तैयारी जोड़ों तोड़ों से करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गई परीक्षा स्टार्ट होने की तिथि, उसमें फिर आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि किस डेट को हिंदी है, किस डेट को इंग्लिश है। ये वाली अभी जो स्कीम है वो अपलोड नहीं करी गई है दोस्तों, ठीक है। ये वाली देखो, ये वाली अपलोड कर दी गई है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फिलहाल। लेकिन जैसे भी किस डेट को हिंदी है, किस टाइम पर है हिंदी का एग्ज़ाम, किस टाइम पर इंग्लिश का है, ये सारी जानकारी वाली जो स्कीम है वो अभी अपलोड नहीं की गई है। जैसे भी आएगी मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि ये जो एंड होंगे एग्जाम, वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होने की जो तिथि है वो है 30 अप्रैल 2020। तो यानी 5 मार्च से 30 अप्रैल तक आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाली हैं, ठीक है, यानी कि लगभग आप लोगों के दो महीने एग्ज़ाम चलने वाले हैं, क्योंकि बीच बीच में गैपिंग भी हो जाती है ना, 2 दिन की छुट्टी, फिर 3 दिन की छुट्टी, फिर 1 दिन की छुट्टी, उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं ना, इसलिए 2 महीने लग ही जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा कि परीक्षा के एग्ज़ाम स्टार्ट होने की क्या तिथि है, यानी कि प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होने की तिथि क्या है, और वार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने की क्या तिथि है, और आप लोगों के एंड होने की क्या तिथि है, ये जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट भी इसमें दे दिया गया कि रिजल्ट कब आएगा। तो आप पढ़ लीजिए, समस्त परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की अंतिम तिथि 15 जून 2020 तक है, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम के बीए बीएससी बीकॉम के जो भी आप लोगों के परीक्षा के रिजल्ट हैं वो 5 जून से आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 जून को सारे लोगों के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने काफ़ी साल से मैं देख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि 5 जून से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ के बीए का आ गया, नहीं तो सेकेंड ईयर का आ गया, एक एक करके इसी तरह लगभग 15 से 20 दिन तक धीरे धीरे रिजल्ट आया करते, एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन 5 जून से स्टार्ट हो जाएंगे रिजल्ट आना।
तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी, इंपॉर्टेंट जानकारी लगी मुझे, लगा आप लोगों तक ये जानकारी प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, मैंने इसलिए जानकारी प्रोवाइड करी। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि सर ये PDF मिल जाती तो हमें आसानी हो जाती, तो ये PDF आप लोगों को मैंने ये बता दूँ कहाँ से डाउनलोड करना है, ये वाली PDF देख सकते हैं सब जो इन्फॉर्मेशन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, फेसबुक पेज का भी लिंक है, तो आप मेरे फेसबुक पेज से भी जा सकते हैं और वेबसाइट पर भी लिखा है www.sandeepinfo.com, उस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर लिखा होगा BA BSc BCom स्कीम, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको पूरी तरह से हेल्प मिलती रहे और आप लोगों को टाइम टू अलर्ट होना रहे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देनी थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों को परीक्षाएं की तैयारी थोड़ी बहुत करा देता हूं, जैसे कि मॉडल पेपर हैं और मॉडल पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या प्रोसेस है, मैं डेली अपलोड करता हूं वीडियो, वो डेली आप क्लासेस अटेंड करिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों।